ये बस वो उस्मान को क्या होता है, उसने मेरे ये मार दिया, अल्लाह जाने क्या मारा है। तो ये हाँ बेटे, पहले भी इस तरह होता था, मारते थे वो पहले? हाँ कभी कभी मैं, लेकिन ऐसी ये कंडीशन नहीं हुई, अपने वो के सामने मारता था, उसके वो कहते छोड़ो बच्चा है माफ कर दो, ये कंडीशन नहीं होती थी। मुझ पर रहम कर दो अल्लाह के खाते, मुझे अपने साथ ले चलो, राय राय ले चलो अपने। नहीं, नहीं आपको साथ ले जाते, आप यहीं पर? नहीं नहीं आपको इधर नहीं रहने देंगे, नहीं रहना चाहिए। आ, इधर नहीं रहे, रहने देंगे आपको। मैं किधर जाऊँ? आपको बेहतर जगह रखते हैं। अच्छा बेहतर जगह ले जाए, मैं आपकी बड़ी एहसान मानूंगी। जहाँ वो बच्चा ना आपका है ना? हाँ हाँ ऐसी जगह ले चलो। किस बात पे लड़ाई हुई, क्या हुआ, क्या था? कोई बात नहीं, बस ऐसे ही खाने पे क्या करने कहने लगा और पटकने लगा, बस ऐसे ही बेबात होने लगता है गुस्सा। हाँ हाँ बेटे, आपने तो बड़ा प्यार उसे दिया हमेशा, बहुत तो। प्यार दिया, लेकिन प्यार करने चीज़ें ये निकल रहा, देखो क्या करें क्या करें। क्या पैसे पुसे मांगते थे आपसे? नहीं पैसे तो नहीं, मैं हाँ मांग रहा था, पैसे थे भी नहीं, मैंने क्या मौत से आएगा वो देगा, उसके पास 25 लाख है, वो देता ही नहीं अल्लाह जाने, बस ये वाली बात होगी बेटे। हाँ क्या जी, आप इधर ही रहते हैं जी? हम आए हैं जी, हमारे तो इनका बेटे का कोई दोस्त है, उसने इनसे कोई पैसे ले गया उस बच्चे से ना, बच्चे से पैसे वगैरह ले गया कोई 20-25 लाख रुपया बिजनेस के बहाने से, उसे नशे पे लगा दिया, गुटखा खिलाता है, उसे आउट हो गया, जब घर आता है नया मारना शुरू कर देता है, ये बेचारी रोती है चलाती है। बच्चे के साथ फ्रॉड हो गया? बच्चे के साथ फ्रॉड किया हुआ, दोस्त है उसका कोई, मोहसिन नाम है उसका। मुझे अपने साथ ले चल, मैं उसके पास नहीं रहनी। यूँ मांगती रहेंगी, कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, कोई है ही नहीं इनके पास, बिल्कुल लवारस बेचारों बदल कर पड़ी हुई। अपने साथ आई समझ, मतलब वो तो शतूत करता है। मुझे बताएं कि उस्मान को सजा होनी चाहिए, मारा है आपको उसने? नहीं सजा नहीं, सजा क्या होगी, तो वो क्या होगी सजा, मारेंगे उसे? नहीं 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 नहीं, बस जेल में रखेंगे, मारेंगे नहीं। जेल में कैसे रखेंगे, जेल से भी रखना उसके अच्छा, उसके साथ अच्छा ही हो अल्लाह, मैं यहाँ अकेली तो नहीं रहनी, मेरे बेटे के साथ अच्छा ही हो, मेरा उसका बाप से बड़ा चाहता था, कहता था एक ही तो बेटा है, छोड़ो छोड़ो क्या करें, छोड़ो छोड़ो, मैं ये वक्त आ गया, ये देख ले आई अल्लाह आई आई मेरे हाथ ना हलाएं इसको। हाँ। ड्रेसिंग हुई है आपके ना, सारी पट्टियाँ की हैं। हाँ। तो आप कहते हैं सजा ना मिले उसे? ना क्यों, आपके साथ इतना बुरा किया तो सजा क्यों ना मिले? बुरा सजा क्या देंगे आप उसे, मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। मारेंगे नहीं, बस जेल के अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकल सकेगा ना, जैसे आपकी वजह से। उसे खाना पीना तो खाना टाइम पे, हाँ बस सही है, कपड़े भी चेंज करेगा, नहाएगा भी, खाना भी खाएगा। हाँ, हाँ, लेकिन आपसे दूर रखेंगे ना? मुझे भी साथ रखेंगे? नहीं नहीं आपसे दूर रखेंगे। हाँ, सही है, आप कहाँ रखेंगे दूर? आप अलहदा रखेंगे, वो जेल में रहेगा ना, कहाँ मुझे कहाँ रखेंगे? आपके लिए हुकूमत बंदोबस्त अच्छा सा कर रही है। अच्छा जाए नहीं रख रहे मुझे, ये जाए मुझे नहीं रख रहे आप अपने पास रख रहे? आप रख लो बेटे मेरे पास, मैं बेटे के पास पे भी रह रही हूँ। उस्मान के साथ रहना है आपने कि नहीं? नहीं 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 जाना, मैं बेटे के पास पैसे भी रही हूँ, पहले भी रही हूँ, नहीं उस्मान के पास नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना। हम आपको पहले भी कहते थे कि आप उसके खिलाफ कुछ बोलें कहें, लेकिन आप कहती थी नहीं वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। पहले भी करता था तशद्दुद, ठीक है, इन्हें कहना कि उनके खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेन करें कहें, तो कहती थी कि नहीं ठीक है वो ठीक हो जाएगा। कल फादर ऐसा हुआ कि कल दरवाज़ा तोड़ के नहीं निकाला हमने, कल वो शाम 5 बजे से इन्हें मार रहा था और रात के 9 बज गए, तो 9 बजे जब शोर बहुत ज़्यादा इनकी चीखों पुकार बाहर आने लगी, तो साथ नेबर्स भी आ गए, साथ ही रहते हैं ये लोग आ गए, तो जब ऊपर खिड़की के ऊपर चढ़ के देखा तो इनका सर फटा हुआ था, कट लगाए हुए थे छुरी से, तो उसे उस्मान को आवाज़ दी है, ऊपर आया खिड़की पे, तो उस्मान को बोला कि दरवाज़ा खोलो नीचे आके, कहता नहीं खोलूँगा, उसे फिर कहा कि दरवाज़ा खोलो, कहता नहीं खोलूँगा, तो डॉल्फिन आ गई,
उन्होंने भी कहा कि आप दरवाज़ा खोलो, कहता नहीं खोलूँगा, तो कहता नहीं मेरा घर है आप लोग जाएँ, मेरी माया मैं जो मर्जी करूँ, मैं मारूँ, मैं कत्ल कर दूँ, मैं जो मर्जी करूँ। अपने मैंने उसे कहा कि मैं क्या दरवाज़ा खोलो उस्मान, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। उसने नहीं दरवाज़ा खोला। तकरीबन ये मामला एक घंटा चलता रहा, 8 से 9 बजे के दौरान। 9 बजे फिर मैंने साथ वाले भाई थे उनके साथ मिल गया, फिर मैंने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के इन्हें बाहर निकाला। उस्मान को इतनी देर में थाना इस्लामपुरा की पुलिस आ चुकी हुई थी, उस्मान को उनके साथ भेजा, इन 112 को बुलाया, इनको फिर उनके साथ भेजा, इस तरह इन्हें निकाला कल रात। उसने पहले इनके बाल ट्रिम किए, फिर इनके सर पे फिर काट दी, ऐसा करा उसने, पहले जलाए फिर काट दिए मेरे बाल। पहले आग लगाई आपको? हाँ पहले आग लगाई मेरे सर।